अखिल भारतीय मां नर्मदा सेवा संघ के 9 सदस्यों के दल ने नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा की जा रही है। परिक्रमा के दौरान दल ने स्वच्छता का संदेश देकर नर्मदा जल को प्रदूषण से मुक्त करने की अपील की। अखिल भारतीय मां नर्मदा सेवा संघ के प्रदेश संयोजक मीणा ने बताया कि ओमकारेश्वर से 25 नवंबर को 9 सदस्य की टीम ने पैदल नर्मदा परिक्रमा आरंभ की थी। आज हम दक्षिण तट पर हांडिया घाट के प्रसिद्ध कुबेर द्वार स्थापित रिद्धेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां सफाई व्यवस्था के पश्चात स्थानीय लोगों को साफ सफाई का संदेश भी दिया। हांडिया से बलवीर सिंह खत्री की रिपोर्ट। जितने प्रकमासी आते सबकी सेवा के लिए, और अभी हम जो चल रहे हैं अखिल भारतीय मानव परिवहन सेवा संघ के बैनर तले मैं पूरी स्वच्छता अभियान लेके चल रहा हूँ। माँ नर्मदा के घाटों घाट आश्रमों में साफ सफाई का हम ये जो लेके चल रहे हैं, इसमें जन जागृति का अभियान हम चला के चल रहे हैं। जितने भी लोग हमारे यहाँ मिल रहे हैं घाटों घाट, जो भी लोग मिल रहे हैं, हम सबसे करबद्ध निवेदन करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन करता हूँ, जो भी लोग देखे इसको, कि माँ नर्मदा में जब भी आप जाएँ तो माँ नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए उसमें गंदगी न फैलाएं। पन्ना कचरा फूल पत्ते लोग कपड़े छोड़ जाते हैं उसके अंदर नहाने आते थे, यार कम से कम जल में तो नहीं डाले, डस्टबिन है आप डस्टबिन में डाल दीजिए, उठाए कम से कम, इतना तो कर सकते हैं ना। हम हजारों को समझा रहे हैं, अगर दो चार लोग जो हमारी बात माने तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो माँ का उत्खनन चल रहा है रेत का, तो आपके माध्यम से हम यहाँ इस बात मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।